व्यूअर्स, देखिए आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त ये बॉयल्ड एग मैक्रोनी। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा करारी सी, चटपटी सी ये माशाल्लाह से बनेगी। तो व्यूअर्स आपने प्लीज़ वीडियो एंड तक देखनी है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरिश। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब, अल्लाह अज़्ज़ा जल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो व्यूअर्स देखिए आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्ती अपनी एग मैक्रोनी बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सी, सिंपल से हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स से हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। हम चलते हैं अपने फ्लेम की तरफ। तो व्यूअर्स ये देख लें, मैंने तकरीबन पौना कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऑनियन डाल देती हूँ। ऑनियन मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के ऑनियन लिए हैं। तो अच्छी तरह से हम करेंगे कुक, माइली पिंक सा कलर लेकर आएंगे ऑनियन पर। और व्यूअर्स मैं आपको जब तक इस पर कलर आता है आपको मैं ये दिखा दूँ, ये आपको ये दिखा दूँ। माशाल्लाह से ये मैक्रोनी मैंने बॉयल की हुई है। तो इसके अंदर बॉयल कैसे किया हमने, पहले वाटर को अच्छी तरह से हमने गर्म करके पानी को उसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। और अच्छी तरह से फिर जब बॉयल आने लगा तो फिर मैंने उसमें ये मैक्रोनी डाल दी। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से स्ट्रेनर में इसका पानी रिमूव करके मैंने इसके अंदर ये देख लें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर ये चिपके ना, मैंने कुकिंग ऑयल हल्का सा इसमें डालकर और इसको इस तरह से ये देख लें रख दिया है ताकि ये चिपके ना। और अब ये देख लें ऑनियन हमारा जैसे ही माइली पिंक सा कलर आता है इस पर, तो फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक डाल देते हैं। ऑनियन मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद ऑनियन लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इसलिए हमारा जो मैक्रोनी का मसाला है ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। जी व्यूअर्स ये देखें माइली सा कलर आ गया है इसमें, ज़्यादा हमने इस पर कलर नहीं लेकर आना ऑनियन पर। अब मैं इसमें डाल देती हूँ देख लें 3 टेबल स्पून भर भर के ये गार्लिक और ग्रीन चिली, हरी मिर्चें पिसी हुई हैं ये डाल देंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है हमने। अब अच्छी तरह से इसको कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स देखें जिंजर गार्लिक का तकरीबन कुकिंग टाइम कंप्लीट हो गया है। मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको इसी तरह से भुना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसके साथ मैं डाल देती हूँ टमाटर, 5 अदद टमाटर लिए हैं नॉर्मल साइज़ के और इस तरह नॉर्मली इसको चॉप किया हुआ है। टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे, हाइट फ्लेम करके थोड़ी सी देर के लिए इस पर कवर लगाऊंगी ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स देख लें माशाल्लाह से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें ड्राई मसाले डाल देती हूँ। ये देख लें ये तिक्का मसाला है और इसी के साथ ये देख लें 1 टेबल स्पून ये क्रश चिली है ये डाल देते हैं। तो ये हम डालेंगे इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब इसी के साथ भी उसे ये देख लें 2 टेबल स्पून के करीब ये चिली सॉस है ये डाल देंगे। और इसी के साथ ये देख लें 1.5 टेबल स्पून के करीब डार्क सोया सॉस है ये डाल देते हैं। इसी स्टेज पर आके मिर्च मसाले जो भी आप डाल रहे हैं ड्राई मसाले आप अपनी अकॉर्डिंग और टेस्ट देखिएगा, जितना आप तीखा खाते हैं अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। बॉयल एग हैं ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसकी मिक्सिंग करते हैं अच्छी तरह से। अरे बॉयल एग मैक्रोनी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है और जैसे कि वैसे भी विंटर है, विंटर में एग वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब मसालों के साथ इसको तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से भून लूँगी अच्छी तरह। पेयर्स ये देख लें मैंने इसको 2 मिनट के लिए तकरीबन अच्छी तरह मसालों में भून लिया एग को। अब ये इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, हरे धनिए को मिक्स करते हैं और इसमें मैं डाल दूँगी मैक्रोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे से इसकी करेंगे मिक्सिंग, ज़बरदस्त सी ये देखें इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इस पर कवर लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी मैक्रोनी डन हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी, बहुत ज़्यादा लजीज सी बनी है, चटपटी सी बनी है। तो आप भी इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें वाओ, देख के मुंह में पानी आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा ये लजीज और चटपटी सी। जी व्यूअर्स देखें ज़बरदस्त सी हमने डिश आउट भी कर ली है। तो ये देख लें हल्का सा ऊपर से हरा धनिया स्प्रेड कर देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ये करारी सी चटपटी सी बनी है। तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इन्जॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।